हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स कीड़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत करते हैं जो हमने ऑब्वियसली देखे हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पीएमडब्ल्यूएल में इंडियन टीम्स के मूवमेंट्स। देखिए, अगर पीएमजीसी में इंडियन टीम्स होती तो जरूर रिजल्ट कुछ और होता, एंड मे बी हमें एक इंडियन चैंपियन यहां पर देखने को जरूर मिलता। लेकिन हमारे पास बहुत इंक्रेडिबल मूवमेंट्स पीएमडब्ल्यूएल में निकल करके आते, तो ऐसी पांच मूवमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो एब्सोल्युटली क्राउड फेवरेट बनी थी। तो वो सब बातें इस चैनल पर होने वाली हैं। आप लोग लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोगों के कौन से बेहतरीन मूवमेंट्स थे। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहूंगा, एंड जो भी बेहतरीन मूवमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में। तो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एंड ट्रस्ट मी, दीज मूवमेंट्स आर गोना बी अ लॉट ऑफ गूज बम्प वंस, बी रेडी। अब सबसे पहली मूवमेंट जो निकल करके आती है वो ये वाली मूवमेंट रहेगी। आई होप कि आप लोगों को याद होगा कि ये मूवमेंट किस हिसाब से हुआ था। सिनर्जी वर्सेस आरआरक्यू पानी के अंदर की फाइट थी। देखिए, इस फाइट में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज, किसने सोचा नहीं था कि पानी में जोन बनेगा, और जब पानी में जोन बना तो उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी, वो ये था कि आपको पिक्सल परफेक्ट पंच मारने थे। मतलब आप गन तो यूज नहीं कर सकते, और यहां पर जब आप रुकते आप पिक्सल परफेक्ट पंच मारते। अभी भी लोग सोच रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं लैंड पर अगर जोन बन जाए तो उनका गेम हो सकता है, बट नेवर हैपेंड। I remember यहाँ पर बहुत भयंकर मूवमेंट से। अगर स्काउट यहाँ पे एक ओपनिंग निकाल के दे रहे तो गिल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट स्काउट जा रहे हैं। The best part was KOG Braga, किसी को नहीं पता था कि वो इंसान कर क्या रहा था वहां पर, जस्ट लेटा हुआ था, एंड नो वन हैड एनी आइडिया कि वो वहां पर था भी, एंड उसको खुद को भी नहीं पता था ऐसा लग रहा, बिकॉज ही नेवर नेवर थॉट ऑफ यूजिंग अ गन। अभी केतन ने बोला था कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं उनको। स्पॉट ब्रागा नॉक डाउन हो जाएंगे, अब मे बी फिनिश हो जाएंगे, ओके ये क्या था, ब्रागा के बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठे, बट अब सामने गिल रहेंगे, ब्रागा को पता तक नहीं चला, बट डीट हुई कितना लेट उन्होंने स्पॉट करा, बट देखते गिल कितनी देर से ये वाली फाइट निकाल पाएंगे। उनको पता है कि अब उनके ऊपर आ चुके, एक ही जरूर रहेगी, बट ये वाली फाइट गिल जरूर निकालेंगे। एक नॉक गिरा उन्होंने, बट और नहीं This is where everything started. क्या चल रहा है अभी भी, कोशिश जरूर चल रही है, और नहीं दूर थोड़ा सा दूर बैठे, बट बियर 11 थोड़ी सी फाइट लेता नजर आ रहा है, बट सिनर्जी टेट के हाथ में क्या वो गन आई थी, वो एक चांस क्या बन सकता, बट बियर 11 की मेरे को समझ नहीं आ रही कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी, बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें दोनों साइड से जकड़ लिया जाएगा, तो टीम सिनर्जी टेट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा, लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जोन तो अब है नहीं, अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है, लाइक दिस इज द एंड जोन, डेथ सर्कल। टीम सिनर्जी टेट अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बीटीआर यहाँ पे बियर 11 माफ कीजिएगा, ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है, आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट, बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं, टीम सिनर्जी के टेट अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस। दिस वाज अ डिफरेंट वन, दिस वाज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट वन। अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी के एचपी जरूर है, बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले, आज तक ऐसा सर्कल और एक बहुत ही रैली देखने को मिला, और बियर 11 को भी फेस्ट कर दिया टेट ने, ओह माय गॉडनेस, इनको गन की जरूरत नहीं, इनको बस हाथ पकड़ा दो, चाहे हमें मुक्केबाजी हो सकती, लेकिन सर्कल के बाहर टेट ज्यादा थे एज कम्पेयर टू अर्नी, तो उनकी हेल्थ जल्दी जानी थी, अगर अर्नी बाहर होते तो उनकी हेल्थ जल्दी जाती, लेकिन ये चीज फाइनल सर्कल में यहाँ पर बन गई थी। आरआरक्यू के साथ डील करने के लिए और एक चिप पंच फाइट हो रही,
मुक्का मारा था वहां पर टेड ने, क्योंकि सर्कल के बाहर पहले टेड थे, टेड फिनिश हुए उसी चीज के कारण, अदरवाइज अर्नी फिनिश हो जाते. Like that would have been one of the things, but well, a game is a game, right? Yeah, but finally, मैं आखरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया, if I'm not wrong, जो fifth. This was an incredible moment. चाहे RR क्यों यहाँ पर जीती, but we know it के synergy के टेड ने वहाँ पर गेम और पूरा समय अपने लिए बांध लिया था. So huge congrats to टेड for that one game. चाहे RR क्यों जीती, no doubt about that. But that was in one of the most incredible moments. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपका उस टाइम, आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम जब ये हो रहा था. Let's talk about a moment that changes quite a lot of things. I mean, when we are talking about changing quite a lot of things, that was a solo chicken dinner by Jonathan. BMWL जब भी याद किया जाएगा, ये moment हमेशा आएगा. अगर आप solo chicken dinner की बात कर रहे हैं, ये moment undoubtedly हमेशा आएगा. आप देखिए कितनी टीम्स आसपास, टीम सीक्रेट ने पूरा बाहर का एरिया होल्ड कर रखा है, वाइल्डस के प्लेयर्स हैं, रिजेक्ट स्कारलेट के, बीटीआर के जक्सी अकेले बचे हैं. लाइक सोलो अपॉर्चुनिटी उनके पास भी थी, बट देन देयर कम्स वन पर्सन हु स्वूप्स इन एंड टेक्स अवे द गोल्ड. दैट वाज दैट पर्सन. बेहतरीन फाइट्स जगह पीछे वो अपनी एक हील बैटल कर रहे थे, बट प्लेस ओवर. लुक एट जॉन, लुक एट जॉन आउट इन द ओपन. The best part was this line, जो फिक्सर से बोली, Rex knockout हो जाएगा UI के द्वारा. Then he realizes. Same team है, UI ने यहाँ पे party को बहुत ज़्यादा knock करा है, and यहाँ पे BTR के साक्षी देखते हैं, यहाँ पे energy drink ज़रूर ले रहे, but कितने देर तक ज़िंदा रह सकते हैं? TSM entity के Jonathan अभी भी A stack का cover ले लेके बैठे, Arm John यहाँ पे knockdown हो जाएगा BTR के साक्षी के द्वारा, instantly उनको भी finish off कर देंगे. Team Secret के UI यहाँ पे काफी करीब जा चुके, BTR के players हो चुके हैं eliminate. I cannot believe what Jonathan is doing right now. आप देखें Team Secret उनके सामने UI बचे जरूर हुए, और ये 1 versus 1 की fight है. Jonathan, you just need to kill one player and he spots him. TSM entity Jonathan god हो गया. Yes he is, cause he gets that. जी हाँ, team legit godly play था, ये legit godly play था. आप सोचो एक इंसान बचे, उसकी पूरी टीम बार में पायदान पर एलिमिनेट हो चुकी, वो एक इंसान बचा है. उस एक इंसान ने 12th से फर्स्ट पोजीशन पर लेके आया था अपनी टीम को. सो दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्लॉज. जितने मर्जी आप बोले कम रहेंगे, बट दिस डज डिजर्व इट. एंड TSM एंटिटी इस टाइम पर जिस हिसाब से खेल रही थी, आपको पता है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे टीम के, इससे पहले कुछ गेम्स खराब भी जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट ये गेम ने इतना बड़ा बूस्ट दिया था उस पूरी टीम को, उस टीम का मोरल इट वॉज अबव द रूफ जिस हिसाब से. सो या, ह्यूज कुडोस टू द टीम दैट टाइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ गेम जो BTR का था, पूरा पूरा BTR का था, लेकिन मेगा वेक्सी ने उनसे छीन लिया था. ये वो गेम था ना, यहां पर मावी सर्कल के बाद तो मावी फाइट ले रहे थे, लेकिन इसके बाद जो चीज हुई थी, दैट वाज जस्ट दैट चेंज्ड एवरीथिंग. One mistake by this lad, and just as I said, see, they were gods of PUBG, but even God makes mistakes, right? So, उसके ऊपर वेक्सी ने capitalize किया, and he had everything. Victorious out of like nowhere. किसने सोचा भी नहीं होगा कि क्या होगा यहाँ पर, and everything changed.
पीपल वर लाइक 3-1 है यार, एंड वहां पर माइक्रोबॉय का एक खराब डिसीजन और एक प्लेयर का डाउन रहना ऑलरेडी, सो 1v1 की फाइट आ गई थी, एंड यहां पर ओपन एरिया में रहते रहते वैक्सीन ने गेम निकाला था. इट वॉज मोर देन इंप्रेसिव जो उन्होंने किया. सो या डिजर्व्स अ लॉट ऑफ सैल्यूट्स. हमने शुरुआत पानी से करी थी, यहां पर भी पानी वाले एक मैच के ऊपर आएंगे जो आप लोगों को पता होगा, जो ऑरेंज रॉक ने निकाला था. इंडियन टीम्स का बोलबाला देखो यहां पर. RRQ है दूसरी रीजन की, ऊपर एक और प्लेयर बचे हुए थे जो दूसरे उसके थे, लेकिन यहां पर यू लेवल अप के थे. TSM है यहां पर, INDI और यहां पर ऑरेंज रॉक है. तीन टीमें ऐसी हैं जो हमें पता है कि पूरे रीजन का भार लेकर के चल रही थी कि कहीं ना कहीं से TSM Entity घुसने वाली, और TSM Entity भी बहुत ही केयरफुली घुसने वाली. अभी 420 OP, meanwhile अपना ग्रेनेड डालते हुए मॉवी. अर्नो इस गेम में सर्कल बहुत स्लोली आया था. चौथन की फाइट चल रही है, अर्नी 40 गोलियां है पर क्या 40 गोलियां इनफ रहेंगे की फाइट निकालने के लिए. आप देख सकते हैं धीरे धीरे सर्कल क्लोज इन हो रहा है. पानी के एरिया में हील बैटल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाएगा. मार्टिन स्लेयर को पिक ऑफ कर चुके हैं. INDI, वेल्डस, ऑरेंज रॉक, RRQ, TSM Entity, यू लेवल अप, ओशन इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. उनके लिए गेम बन सकता है, बिकॉज उन तक रीच करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है. लेकिन धीरे धीरे जो जोन चल रहा है, क्योंकि पानी का जोन है, बहुत धीरे आएगा, वो धीरे धीरे वाला मोमेंटम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं सब कुछ. 420 ओपी ने एक टॉक किया, लेकिन ट्रेड फायर में वेल्डस मार्टिन 420 ओपी को लेकर जाते हुए, मावी वहां पर बियर 11 को लेकर जा चुके, स्काउट भी है यहाँ पर. ये फाइट इंपॉर्टेंट है. अब जाकर एक टीम कम हुई है, RRQ का एलिमिनेशन हुआ है. अब धीरे धीरे सारी टीम टेकडाउन होगी. वेल्डस के प्लेस के लिए मुश्किल हो चुकी है. आप देखिए मार्टिन ने मावी को डाउन किया है, लेकिन गेल आएंगे पीछे से, मार्टिन को यहाँ पर नॉक और फिनिश ऑफ भी करेंगे. पांच टीमें, 7 लोग, एक टीम कोई ऐसी होगी जिनके 2 लोग बचे होंगे, बाकी सब टीम के एक एक प्लेयर है. जॉनसन बचे हैं, नियो वहां पर है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन करना शुरू करेगा. This all still is happening while I'm looking at 9 circle kitna slowly and steadily aa raha hai. It's really slow with its pace. To har ek team ke paas sochne ka time zyada tha. So aapko sochna bhi sahi hai. Dekhiye sochne ka time har kisi ke paas hota hai, lekin sahi sochna padta hai. Aisa nahi hai ki aap galat soch loge and the game goes down, right? Valdez ke god out abhi bhi bache hai, but dekhna zarur rahega Hojwan ke paas kitne zyada first aid hai, kyunki sari team ek dusre ke sath engage zarur kar degi. Jonathan yahan pe Neo ko bhi revive de dega, but dekhe unke paas koi healing nahi, bas patr 5 bandages hai. Trance yahan pe kafi kareeb hai. Valdez ke god out yahan pe I think spot out kar chuke hai. TSM Entity ke players ko kisi bhi shan yahan pe bahar nikal ke knock kar sakte hai, but dekhna padega kab. Orange Rock ke gill bhi upar mandra rahe, but unke bhi upar maujood hai you level up ke Hojwan. Ye sari teams jab bhidne wali, I guess you level up ke players mazey le jayenge. Oh look at this, the slow circle, jo slow death par ja raha circle, dheere dheere wahan par hai Gordon, yahan par ek player ko down kar chuke, Neo ke liye bache, revive dena kaam aaya Jonathan ka is puri fight ke andar. Neo unke paas bandages thi, unhone wo laga zarur liya, lekin Neo ko take down karenge. Orange Rock ke scout, teen team hai, scout down ho jayenge. Gordon bache, ek ek player bacha, Gordon goes down. Orange Rock versus you level up kill, kya unke paas koi first aid hai? Wo Jon upar ke area par kill central area acquire karna chahte hai. Orange Rock ke scout bhi wahin par hai, lekin kill ko upar chadhne mein dikkat हो रही है इस पूरी सिचुएशन में. ओशन ऊपर से नीचे स्पॉट कर रहे हैं, उनके पास गन्स अच्छी खासी है, लेकिन किल सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुके हैं. ओशन हिल जा रही है, किल फर्स्ट एड हील बैटल कर पाएंगे यदि ओशन गोस डाउन. ऑरेंज रॉक गेट्स दैट विन. What an amazing match that we got to witness. Kya shandar game kya tha, last final circle. This was one of the most incredible fights, kyunki dekhiye the greatest battle requires no bullets probably. वही चीज थी यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से ये फाइट हुई थी, you never needed guns for the final fight. Plus, Hojwan ने बहुत लेट फर्स्ट एड लगाना शुरू किया था. I don't know क्यों ऐसा डिसीजन था उनका, बट बहुत लेट फर्स्ट एड लगाना शुरू किया और गिल सेंट्रल एरिया में थे, उनके पास जितनी मर्जी फर्स्ट एड्स होती वहाँ पर Hojwan का खराब डिसीजन था. जैसा मैंने बोला कि सोचने के लिए ज़्यादा टाइम था, लेकिन आपको सही सोचना था. Orange Rock ने सही सोचा, they got the win. Now let's talk about the game जिससे Orange Rock टेबल टॉप पर आई थी. आपको याद होगा ये बहुत बेहतरीन तरीके से गेम निकला जब RRQ, Valdez ये सब आपस में फाइट ले रहे थे. मॉर्टल भी थे इस टाइम कास्टिंग करते हुए, तो उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया था कि क्या चीजें यहां पर चल रही है. बट एट द एंड जिस हिसाब से ये गेम बना, इट वॉज मोर देन अ गूज़बम्प्स मोमेंट. क्यों? क्योंकि पूरा देश एक तरीके से यूट्यूब पर चिपका हुआ था ये मैच देखने के लिए, ये मूवमेंट्स देखने के लिए, ये मूवमेंट समझने के लिए कि क्या हो रहा है. जो 287-278 का डिफरेंस था, उस डिफरेंस को बनाने से पहले जो ये मैच बना था, ये बहुत बड़ा मैच था उस टाइम के लिए.
जाता है, प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन आरआरक्यू एक बहुत बड़ी दीवार यहाँ पर ऑरेंज जॉन के सामने बनकर बैठेगी। वाइल्डनेस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे और वाइल्डनेस के प्लेयर शुरुआत कर चुके हैं। तीन टीमें अभी भी बची हैं, आरआरक्यू के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है, टी20 को रिवाइवल चाहिए होगा, बट ऑरेंज जॉन के पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं, ऑरेंज जॉन के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहां पर निकाल सकते हैं, एक चिकन डिनर आ सकता है, मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वाइल्डनेस के प्लेयर्स, वाइल्डनेस द मर्डरर्स यहां पर मर्डर हो सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज जॉन के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज जॉन जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था, और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज जॉन के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहां से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वाइल्डनेस गेट्स एलिमिनेटेड, आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज जॉन, एक फाइनल फाइट यहां पर है। स्मोक एरिया के बीच में आरआरक्यू के प्लेयर्स है, बट ऑरेंज जॉन की जो जंप से, ये जीत की जंप से यहां पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है, एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है। D2 फर्स्ट शेड लगा रहे हैं यहां पर, M4 को रीलोड किया जाएगा। जीना इनके पास कार है, बट किल उनके बिल्कुल सामने है। किल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। वन प्लेयर 14 एंड 20 एंड देयर ही गोस ऑरेंज जॉन, गेट्स दैट सेकंड डिनर। Oh my goodness, Orange Rock की क्या decision making, सही time पे, ए moment पे वो rotation. One of the best moments that actually happened in the finals day, क्योंकि जब हम बोलते थे कि इंडियन कंपटीशन कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है, लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक टीम जाएगी ग्लोबली टॉप 3 के अंदर आएगी और वहां पर अपना एक दबदबा बना करके रखेगी। ऑब्वियसली सिर्फ एक टीम की बात नहीं है, पूरे इंडियन रीजन की और सब टीम्स की, INT की बात करें, TSM की बात करें, मेगास्टार्स की बात करें, सिनर्जी की बात करें, सेल्स की बात करें, ऑरेंज रॉक की बात करें, अब किसी भी टीम को उठा करके देख लीजिए, उन सब टीमों ने अपना पूरा पूरा दबदबा बना करके रखा। देर वर मैचेस जब एक टीम ने आउट शाइन किया, देर वर मैचेस जब दूसरी टीम ने आउट शाइन किया, सो द टीम्स एक्चुअली शोड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट देर वॉज। सो ये सारे मोमेंट्स बहुत बेहतरीन थे। आप लोग मेरे को बता सकते हैं अगर कोई और मोमेंट जो आपके माइंड में रहेगा, जो आपके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया था, उसके बारे में हम लोग जरूर आने वाले वीडियोस में प्रॉब्ली डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर यही वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोज में, प्रॉबेबली। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप प्लेइंग गेम्स।